दीपांकर और सभी देख रहे हैं मेरा चैनल ग्लोबल व्यापार, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, कस्टम्स के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा वो कौन से तीन मेन ब्रांच होते हैं ना जिससे आपको बच के रहना है अगर आप किसी भी तरह का इलीगल इंपोर्ट करते हैं, किसी भी तरह का मिसडिक्लेरेशन करते हैं, किसी भी तरह का वैल्यूएशन में क्लेम करते हैं। तो ये वो तीन ब्रांच है कस्टम्स का जिसको जिससे आपको बचे रहना है, जिससे आपको डरना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कुछ नहीं करना चाहिए ऐसा, अगर आप करते हैं तो इन तीन ब्रांच को अपने दिमाग में जरूर रखना। एक होता है SIIB, एक होता है प्रिवेंटिव, एक होता है DRI। SIIB होता है आपका स्पेशल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, प्रिवेंटिव होता है प्रिवेंटिव ऑफ कस्टम्स, और एक होता है DRI जो इन सबसे ऊपर होता है, वो होता है डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। अगर आप किसी भी तरह का काम करते हैं ना, किसी भी तरह का इलीगल इंपोर्ट करते हैं, किसी भी तरह का 19-20 करते हैं कस्टम्स में, तो ये वो तीन ब्रांच हैं जो आपके घर पे पहुंच सकती है और आपको खूब डंडे से पीट सकती है। और DRI तो CBI के लेवल का होता है। सपोज आपने सारे इंपोर्ट इंपोर्ट कर लिया, सब कुछ आपका हो गया खत्म, उसके बाद भी DRI ऐसी ऐसी एक अथॉरिटी है इंडिया की कस्टम्स की कि आपने कुछ भी किया है तो पूरे हिस्ट्री में आपने जितना काम किया उन सबका रिकॉर्ड निकाल के उन सबका आपके ऊपर पेनल्टी ठोक सकती है और जब सबका सब आपसे वसूल कर सकती है दोबारा। तो ये वो तीन ब्रांच है जो मेन तीन ब्रांच होते हैं जिससे लोग डरते हैं, जिसका नाम सुनते ही लोग कांपने लगते हैं। और एक चीज और मेरे को बोलनी है दोस्तों कि आप लोग मेरे को बहुत ज्यादा DM करते हैं, बहुत ज्यादा ईमेल्स करते हैं, मैं आप सबका रिप्लाई नहीं कर पाता टाइम से। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे को ना मेरे Instagram ID पे DM करना, मैं वहाँ पे मैं एक्टिव रहता हूँ ज्यादा। मैं मेल कई बार चेक नहीं कर पाता, कई बार कमेंट्स पे भी मैं अपना रिप्लाई नहीं दे पाता। तो सबसे बेटर होगा आपको मेरे से कनेक्ट करना है तो मेरे इस Instagram हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, ग्लोबल व्यापार के नाम से ही है मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट। फेसबुक पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ, यूट्यूब पे तो है ही है। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे कोशिश करूंगा कि आप सबका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँ। मैं एक्चुअली बाहर रहता हूँ ना, तो मैं जल्दी मेरा जाने का, हमारे बिजनेस में क्या होता है ना कि हमारे बिजनेस में आने का टाइम होता है, जाने का कोई टाइम नहीं होता। तो मेरे को कभी 10 भी बजते हैं, कभी 11 भी बजते हैं, इसलिए मेरे वीडियो भी बहुत इनकन्सिस्टेंट होते हैं। तो आई होप कि आप सब लोग मेरे को इसके लिए थोड़ा सा माफ कर देंगे कि मैं आप लोगों का रिप्लाई थोड़ा लेट करता हूँ और आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई थोड़ा लेट करता हूँ। तो थैंक यू, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता था, और मैं अपना ये भी बताना चाहता था कि मैं इतना लेट रिप्लाई ही करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।